यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। देखिए, इसमें हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट और हमारा जो इंडियन मार्केट है उसमें जो आज गिरावट हुआ और कल जो गिरावट हो सकती है, दोनों की बात करेंगे। आज तो आपने देख लिया, लेकिन आने वाले समय की हम बात करेंगे। कल भी मार्केट गिरेगा और मार्केट का जो सपोर्ट है कल वो है 15635 का। अगर 15635 को निफ्टी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, सस्टेन करना चाहिए, तो फिर हम यहाँ पर काफी ज्यादा निगेटिव हो जाएंगे। तो हम मार्केट में होते हुए गिरावट को देखेंगे, मार्केट कहाँ सपोर्ट लेता है उसका इंतजार करेंगे। मतलब हमारा जो सेंटिमेंट होगा अब मार्केट में, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वो डाउन साइड का होगा, और कहीं पर अगर सपोर्ट बनाता है निफ्टी तब फिर हम मार्केट में वहाँ साइडवेज होंगे, और साइडवेज के बाद जब वो मार्केट फिर से ऊपर मूव करता है तब हम बुलिश होंगे। अभी फिलहाल कोई भी बुलिश की संभावना नहीं है, क्योंकि डॉ जोन्स यहाँ पर क्रैश हो रहा है। देखिए, डॉ जोन्स में यहाँ पर 3% का गिरावट हो चुका है, 3% डॉ जोन्स गिर चुका है। अब यहाँ क्लोजिंग होगा डॉ जोन्स का लगभग 2 बजे के आसपास होगा। अभी तो डॉ जोन्स फिलहाल नीचे गिरता ही जा रहा है, अगर यहाँ गिरते चला गया तो कल मार्केट काफी ज्यादा क्रैश हो सकता है। मतलब एक बड़ी गिरावट मार्केट में कल हो सकती है। और यहाँ पर देखिए, डॉ जोन्स का जो सपोर्ट लेवल है वो 33,480 का है। 33,480 को अगर ब्रेक करता है तो फिर इस पे एक बड़ी गिरावट हो सकती है, और फिर हम 32,350 का लेवल का वेट करेंगे डॉ जोन्स में। तो डॉ जोन्स अभी फिलहाल सपोर्ट के ऊपर ही है, सपोर्ट पे यहाँ आता है। अगर यहाँ सपोर्ट को ब्रेक करता है तब हम नीचे के सपोर्ट के लेवल का वेट करेंगे। अभी मार्केट के क्लोज होने का, जो अमेरिकन मार्केट यूएसए मार्केट है उसके क्लोज होने का वेट करना पड़ेगा। क्या हो सकता है कि यहाँ से डॉ जोन्स रिकवरी भी दिखा दे, अगर रिकवरी दिखाता है तो फिर हमारा मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से लगातार गिरते चला गया तो कल एक बड़ी गिरावट हमारे मार्केट में भी हो सकती है। साथ ही साथ बता दें, पूरा ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट जो वो निगेटिव है। देखिए, डॉ जोन्स तो 2.65% डाउन है, 900 पॉइंट्स एक दिन में मतलब टूट चुका है डॉ जोन्स। और यहाँ पर बात करें जो अलग अलग है, ब्राजील का बोस्पा ये भी 1.72% डाउन है, डेक्स देखिए 2.62% डाउन है, FTSE 2.34%। मतलब जो यूरोपियन मार्केट है वो भी काफ़ी निगेटिव मतलब क्लोज हुआ है। CAC 40 देखिए 2.54%। तो ये भी सारे के सारे जो मार्केट है, देखिए सारा जो ग्लोबल मार्केट यहाँ दिख रहा है, सारे इंडेक्स निगेटिव ही दिख रहे हैं। देखिए सारे इंडेक्स यहाँ पर निगेटिव दिख रहे हैं। चलते हैं निक्की जापान, देखिए ये भी 1.25% डाउन है। सिर्फ यहाँ पर कुछ जो चाइना के मार्केट है वो ग्रीन दिख रहा है। ओवरऑल जो पूरा ग्लोबल मार्केट है वो निगेटिव है। तो जब पूरा ग्लोबल मार्केट निगेटिव है तो निश्चित रूप से कल हम बहुत ही ज्यादा गैप डाउन ओपन हो सकते हैं। यहाँ कारण क्या है जो इतना गिरावट देखने में ला है? देखिए, पहला तो क्वार्टर का जो अर्निंग है हमारे इंडियन मार्केट का वो आ रहा है, जून क्वार्टर का अर्निंग। तो जो HDFC बैंक है उसके क्वार्टर के 1 के जो रिजल्ट है वो निगेटिव आए जून क्वार्टर के, जिसके कारण एस्टिमेट लगाया जाए सारे बैंकों के जो रिजल्ट होंगे वो निगेटिव होंगे। लेकिन यहाँ जो पूरा ग्लोबल मार्केट निगेटिव है, क्योंकि हम तो ग्लोबल मार्केट के साथ साथ चलते हैं, तो ग्लोबल मार्केट में क्या है, जो कोरोना वायरस का केस है वो लगातार स्पाइक कर रहा है यहाँ पर। मतलब एक तेजी से यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट वो निगेटिव है और रिकवरी यहाँ मतलब काफ़ी कम हो रहा है। तो जिसके कारण जो ये सेंटिमेंट है वो निगेटिव फिर से हो चुका है। अगर वर्ल्ड के ग्राफ देखें कोरोना वायरस के, यहाँ देखिए स्पाइक हो चुका है। यहाँ पर जो जून है, जून के बाद यहाँ पर स्पाइक देखने मिला है। तो जून के बाद जो स्पाइक है जुलाई में आया है, तो जिसके कारण आपको ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट निगेटिव देखने मिल रहा है। वहीं हमारा जो इंडिया का जो कोरोना वायरस के केसेस का स्थिति वो लगातार घट रहा है, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट है अभी कोरोना वायरस का वो स्पाइक आने के कारण निगेटिव हो चुका है। तो ये मेजर कारण है जिसके कारण ग्लोबल मार्केट निगेटिव है। तो हमारा इंडियन मार्केट भी गिरावट देखने मिलेगा, और थोड़ा सा जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो भी इफेक्टेड हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि काफी ज्यादा मार्केट में गिरावट आज देखने मिला। देखिए, निफ्टी में जो मुख्य रूप से गिरावट आया वो HDFC बैंक ने लाया। HDFC बैंक अकेले इंडेक्स को 0.32% तक गिरावट दिखाया। मतलब HDFC बैंक में गिरावट हुआ 3.37% का, ये इंडेक्स को गिराया कितना, 0.32% तक अकेले इतना गिराया। फिर HDFC गिराया 0.14%,
इन्फोसिस फिर गिरा है 0.07%, इस तरह से फिर कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, रिलायंस, इस तरह से देखिएगा सारे के सारे जो निफ्टी 50 के स्टॉक है सिर्फ चार को छोड़कर सब के सब निगेटिव है। देखिए यहाँ सारे स्टॉक्स जो है वो निगेटिव है, मतलब सभी ने इंडेक्स में कंट्रीब्यूशन जो है निगेटिव दिया, मतलब इंडेक्स को गिराने का काम किया। अगर यहाँ पर कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगा, ये गिरावट, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिर्फ जो चार स्टॉक्स है, डिविज लैब, BPCL, नेस्ले इंडिया और NTPC, ये चार सिर्फ पॉजिटिव थे, और इस चार पॉजिटिव थे तो इसका कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं था, क्योंकि HDFC बैंक, रिलायंस, ये सब का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इन्फोसिस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और इस सब का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है इंडेक्स में, इसलिए ये खास कुछ नहीं कर पाए इंडेक्स को। तो ओवरऑल ये रीज़न था, जो मेजर स्टॉक्स था जिसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी में था वही गिर गया। साथ साथ ग्लोबल मार्केट पूरा सेंटिमेंट निगेटिव है, और कल भी हम पूरी तरह से गैप डाउन हो सकते हैं, गैप डाउन ओपन होने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाएं, या अगर डॉ जोन्स पूरी तरह से यहाँ से क्रैश हो जाता है, मान लीजिए ये 3% 4%, तो फिर हम और ज़्यादा गिरावट दिखा सकते हैं ओपन होने के बाद भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कि कल गिरावट होता है तो अगर गिरावट के बाद रिकवरी दिखता है तो आप वहाँ पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, जो सेक्टर के लीडर स्टॉक है उसको बाय कर सकते हैं, और अगर दिखता है कि गिरावट लगातार कंटिन्यू होता है तो फिर आप वेट कीजिए, मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज होगा, रुकेगा तो वहां पर बाइंग करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जब पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए।